फरवरी 2019 को एक टिकटॉक यूजर AATC13 ने एक वीडियो अपलोड करी जिसके टैग्स थे #dancingladyserbia #horror। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल होने लगी और इस वीडियो के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने पर ये खुद में ही एक मिस्ट्री बनने लगी। लेकिन 2019 वो साल नहीं था जब सर्बियन डांसिंग लेडी को देखा गया था, बल्कि ये इंसिडेंट सबसे पहले 1998 में हुआ था। लेकिन ज्यादा एविडेंस ना होने के कारण मीडिया ने इस मैटर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और जब अब ये इंसिडेंट इंटरनेट पे काफी वायरल होने लगा और सर्बिया में रहने वाले लोग भी इसके बारे में प्रूफ देने लगे, तो मीडिया को इस मैटर में कवरेज करनी ही पड़ी। सर्बियन डांसिंग लेडी को सर्बिया की स्ट्रीट्स पर सर्बिया के ट्रेडिशनल ड्रेस पहने डांस करते हुए देखा गया है, और ये भी कहा गया है कि अगर वो अपने आसपास किसी को देखती है तो वो चाकू या किसी वेपन से उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ दौड़ती है। हालांकि ऐसे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किए गए हैं जहां सर्बियन डांसिंग लेडी ने उन पर हमला या उन्हें जान से मारा हो। इंटरनेट पर सर्बियन डांसिंग लेडी की काफी क्लिप्स वायरल हैं, जहां व्यूअर्स ये बताते हैं कि शायद ये लेडी एक डीमन के द्वारा कंट्रोल्ड है। व्यूअर्स का ये भी कहना है कि इतनी रात को किसी को सड़क पर इस तरह नाचते हुए देखकर कोई भी डर जाएगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये इंसिडेंट एक्चुअल में रियल है तो ऑल थैंक्स टू द कैमरामैन जो हिम्मत करके इस लेडी के पास गया ताकि हम ये क्लिप्स देखने को मिल सके। सर्बिया में हुए इस डांसिंग लेडी के इंसिडेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।